एक छोटा सा चूहा था, वह घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना इस कपड़े के टुकड़े की एक टोपी सिलवा ली जाए। चूहे को सामने दर्जी की दुकान दिखाई दी। चूहा दर्जी की दुकान पर गया और बोला, अब तो चूहा शान से अपनी टोपी पहनकर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक कढ़ाई करने वाले की दुकान दिखाई दी। अब तो चूहा कढ़ाई की हुई टोपी पहनकर आगे जा रहा था। चलते चलते उसे एक मोती वाले की दुकान दिखाई दी। ये दुकान के दरवाजे के तेरे बोलने के चार टांगे तोड़ के तेरे टॉपी में रख दूँगा। मियाँ बकवास बंद करो, फटाफट मेरे टॉपी के मोती लगा दो, नहीं तो चेहरे में जाऊँगा सिपाही को बुलाऊँगा, डिपिकले तो लोगों में रुपा बनाऊँगा। ऐसा कर बुक के लाओ, पर अभी लगा देता मोती। अब चूहा कढ़ाई की हुई टोपी पहनकर मोती लगी हुई टोपी पहनकर घूम रहा था। चलते चलते उसे एक डमरू वाला दिखाई दिया और डमरू वाले ने बिना कुछ कहे चूहे को फटाफट से डमरू दे दिया। अब तो चूहा अपनी टोपी पहनकर डमरू बजाता हुआ मस्ती से घूम रहा था। घूमते चूहा राजा के महल के सामने पहुंचा। राजा झरोखे में बैठा हुआ था। उसे देखते ही चूहे ने कहा, वैसे भी राजा की टोपियां बढ़िया लगे, मेरी टोपियां से बढ़िया लगे। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा, ये चूहा मेरी टोपी को घटिया कहता है। सिपाहियों ने चूहे की टोपी छीन ली। अब चूहा गाने लगा, मेरी टोपी छीन ली। ये सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया और राजा ने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों ने उसकी टोपी वापस दे दी। अब चूहा गाने लगा, डम धमाका डम कहलाता है शेर सिंह जो, पर चूहे से भी डरता है, कैसे इस देश का राजा जो डर डर कर जीता है। वेरी गुड।